एरोमेटिक तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, बनाना लीफ में सर्व करते हैं और उसे क्लीन करने के लिए पानी से ऐसे आप हाथ से उसे साफ करोगे। तो हम ये होटल कनप्पा में आए हैं और ये त्रिची में है। चलिए अंदर चलते हैं। ये होटल कनप्पा का मेनू कार्ड है। ये मुझे ट्राई करना था पर ये अवेलेबल नहीं है बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, हम होटल कनप्पा में आए हैं और यहाँ का चेटिनार क्विजीन जो है वो बहुत ही फेमस है और हमें ऑर्डर करना था बैम्बू मटन बिरयानी, जो मैंने सुना है यहाँ पे बहुत फेमस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जब इनसे पता करा यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि वो सीजनल है, सो इट्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ। और एक चीज़ थी यहाँ पे जो है नाटू कोजी, वो भी काफ़ी फेमस है लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो भी चीज़ अवेलेबल है वो हमने ऑर्डर करी है, देखते हैं अभी जस्ट आता ही होगा खाना। फिश फिंगर्स, ओके। हमने ये फिश फिंगर्स ऑर्डर किए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ये कोटिंग आप देख सकते हो। इसका जो कोटिंग है ये ब्रेड क्रम्स है, इसका जो बाहर का कोटिंग है वो ब्रेड क्रम्स यूज किया है इन्होंने, बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। और ये मेयोनीज डिप किया है, मुझे नहीं पता ये कौन सी डिश है लेकिन अमेजिंग टेस्ट है, खुशबू लाजवाब है, बहुत ही अलग तरह का मसाला यूज किया है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, बनाना लीफ में सर्व करते हैं और उसे क्लीन करने के लिए पानी से ऐसे आप हाथ से उसे साफ करोगे। मटन बिरयानी, क्या ये तालचा कतरिया, मटन करी, मटन करी, मटन बिरयानी है, ये मटन करी है और ये रायता, मटन तालचा कतरिया, मटन मटन बोन्स, मटन बोन्स दालचा, मटन बोन्स का दालचा,
ओके ओके, सो ये कुछ मटन बोन्स का जैसे सूप जैसा कुछ बनता है, उस तरह का कुछ दाल का प्रिपरेशन है और इसे दालचा कहा जाता है यहाँ पे, और ये मटन सूप से बना है, मटन बोन के सूप से बना है। चलो इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चिलीज दिख रहे हैं और ये हरी इलायची आप देख सकते हो। द फूड इज सो एरोमेटिक। अमेजिंग टेस्ट है गाइस, बहुत ही खुशबूदार है। और ये राइस अगर आप देखोगे नजदीक से, काफी सॉफ्ट सा राइस है, बहुत ही सॉफ्ट राइस है। अमेजिंग। ये जो दालचा दिया है उसके साथ मिक्स करके टेस्ट करते हैं और रायता के साथ टेस्ट करते हैं इसे। एक सिंपल सा लेंटिल सूप जैसा बनता है, वैसा दाल जैसा प्रिपरेशन है ये। इसमें मुझे ये एक्चुअली मटन दालचा है, मुझे इसमें मटन का टेस्ट नहीं आया ज्यादा, लेकिन ये बस ऐसे ही अगर खाओगे ना तो भी बहुत लाजवाब है, बहुत टेस्टी है ये बिरयानी। एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो। मतलब बहुत ही फ्रेग्रेंट है, बहुत ही एरोमेटिक है। जो भी मसाले डाले हैं ना, मैं फर्स्ट टाइम ये बिरयानी ट्राई कर रही हूँ चेट्टीनाड स्टाइल, और मटन बिरयानी मुझे बहुत पसंद आया। तो ये कोकोनट की चटनी है और ये पुदीना की चटनी है, ये सांबर है। हाँ सांबर, मटन ग्रेवी। ओके, ये सांबर है और ये मटन ग्रेवी है और ये एग करी उत्तपम। तो अभी एग करी उत्तपम ट्राई करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या इन्होंने क्या डाला है इसमें, पर मुझे ये पीसेस शायद ये चिकन है, ये मटन है, ये मटन के पीसेस है। सबसे पहले ऐसे ही ट्राई करूं। स्पून है, स्पून। थैंक यू। सो ये जो मिंट की चटनी है, पुदीना की चटनी है, उसके साथ ट्राई करते हैं इसे, और ये थोड़ा कोकोनट चटनी भी ले लेते हैं। चटनी के साथ अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये मटन की करी है, आप देख सकते हो। ये ठीक ठाक है और ये दाल बना है, दाल और मटन की करी ठीक ठाक है, ये भी मुझे ठीक ठाक लगा। पर सबसे अच्छी बात जो फिश फिंगर्स थे और जो मटन बिरयानी मैंने खाई वो अमेजिंग थी। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, आई वुड रेकमेंड यू दीज टू डिशेज, बोथ द डिशेज आर वेरी नाइस।
बहुत ही टेस्टी था। उसका जो मसाला है बहुत ही अलग था, स्पेशली बिरयानी का जो मसाला है बहुत ही अलग मसाला था। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है चेट्टीनाड स्टाइल। आई जस्ट लव इट। नाउ लेट मी एंजॉय माय मील। दैट फिश फिंगर्स नेम विच फिश अनली या सुंदरया सुंदरया कौन सा मैनेजर? ओके ओके, ही इज द मैनेजर। हां ओके, एक्सक्यूज मी, दैट फिश फिंगर व्हिच वी ऑर्डर्ड, व्हिच फिश इज दैट? अरे बादशाह जब आते हैं तो हवाएं तूफान बदल जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है। ओके, इट्स बासा फिश। ओके ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड इन लोकल तमिल लैंग्वेज? कन्नप्पा, द फिश नेम इज कन्नप्पा। कन्नप्पा मनार पर, दैट्स अ फिश नेम। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। कन्नप्पा रेस्टोरेंट, कन्नप्पा इज अ फिश नेम। कन्नप्पा रेस्टोरेंट। ओके ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? मणिकंठन। ओके, रेस्टोरेंट कैप्टन, थैंक यू। Hello madam, what is your name? Chechi. Name? Chechi. Okay. Yeah, what's your name? Malayalam. No, how do you say? Ulubeer Nama. How do you say what's your name in Tamil? Mani Kandak. Rajalakshmi. 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 This is South Indian. South Indian. This is Chettinad. Chettinad. Okay. South Indian. So this is Appam. Appam. तो ये अपम बना रहे हैं और आप देख सकते हो अपम। इतना आर कुछ